अब आज से हम शुरू करते हैं बुक नंबर 10। बुक नंबर 10 का टाइटल है टॉकिंग बिजनेस, बातों का व्यवसाय। यह किताब पूरी प्रोफेशनल इंग्लिश के ऊपर मैंने डिजाइन की है और इस किताब के अंदर मैंने दो दो पात्र क्रिएट किए हैं। एक बोलता है, दूसरा उसका जवाब देता है। वो इसलिए कि आपको कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन वगैरह अंग्रेजी में कैसे किया जाए वो पता चले। एक बात कि कौन क्या पूछता है, क्या बोलता है, उसका जवाब क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों से अवगत कराने के लिए। दूसरी बात कि सही कम्युनिकेशन कहता है कैसा होता है। जैसे बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात कम शब्दों में, मिनट दो मिनट में पूरी कैसे की जाए, ये सारी टेक्निक आप इसके अंदर सीखते हो। ठीक है, तो मैं बुक नंबर 10 पे शुरू कर रहा हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर आप देखिए, बिफोर स्टार्टिंग बी हंग्री, पहला पेज है, टाइटल है। शुरू करने से पहले आप भूखे हो जाओ, किस चीज के भूखे हो जाओ। तो दूसरा टॉपिक है बूस्टर डोज फॉर स्पीकर्स टू रिमूव फियर, रीड केयरफुली एंड अडॉप्ट। मतलब क्या होता है, बोलने वालों के लिए डर कैसे निकालना और उसको ध्यान से पढ़कर उसको अमल में रखना, उसके बारे में हर चीज, हर बातें मैंने बताई है। आपको पता है आप लोग क्यों बोलते नहीं हो, आपको क्या प्रॉब्लम है बोलने की, उसका भी जिक्र मैंने बुक के आखिरी पन्ने पे 72 पे दिया है, स्पीकिंग सॉल्यूशन। पहली 3 लीटी में आपको बताता हूँ, मेजर कंप्लेन एवरीवन हैज टू हुम आई शुड स्पीक, नेदर फैमिली मेंबर्स आर स्पीकिंग नॉर फ्रेंड्स आर स्पीकिंग, हाउ आई कैन बी प्रैक्टिस। आज हर इंडियन कोई भी कम्युनिटी का हो, गुजराती, हिंदी भाषी, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, तमिल, मद्रासी, कोई भी कम्युनिटी का इंसान है, और वो जो अंग्रेजी सीखने निकलता है, सीख जाता है, बाद में भी उसकी ये फरियाद रहती है, मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ, किसके साथ करूँ, ना घर में कोई बोलता है, ना ग्रुप में कोई बोलता है, ना ऑफिस में अंग्रेजी का चलन है, तो मैं प्रैक्टिस कहाँ करूँ, कैसे करूं? तो उसका सॉल्यूशन उसके बाद की लाइनों में मैंने दिया है, पेज नंबर 10। वो अगर आप अमल में रखोगे तो रखने के बाद पहले 15 दिनों से लेकर 6 महीने तक देखो आप में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। 6 महीने बोलते बोलते तो आपकी मास्टरी आ जाए, तो कड़कड़ाहट फ्लुएंट अंग्रेजी कैसे हम बोलते हैं, क्योंकि बोलने का जो डर है वो सारी चीजें पेज नंबर 2 और 3 में मैंने आपको बूस्टर डोज के अंदर समझा दी कि आपको क्या क्या दिक्कतें होती है और उन दिक्कतों को कैसे पार करना। ठीक है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ ये किताब, ये कोर्स का आखिरी किताब है और उसको सही मायने में लेना, समझना, पढ़ना अहम जरूरी है अंग्रेजी में पावरफुल बने। पहला टॉपिक है टॉकिंग बिजनेस, उसके अंदर पहला टॉपिक दिया है ओवर टेलीफोन। टेलीफोन पे दो इंसान बात करते हैं तो कैसे करते हैं वो समझाया गया है। एक शुरुआत करता है, एक इंसान किसी को फोन करता है, सामने से वो फोन उठा रहा है, फिर किस तरह से बातों का दौर आगे चलता है। दूसरा टॉपिक है वही दो इंसान रूबरू पर्सनली मिलते हैं, तब क्या क्या बातें होती है, कैसे बातें होती है। एक जन सवाल करता है, दूसरा उसका जवाब देता है। उस जवाब के अंदर भी हमको समझना ये है कि किसी के पास लंबी चौड़ी बातें सुनने का वक्त नहीं होता, ये आप सब जानते हैं, तो बड़ी बात को छोटी करके कैसे बताई जाए ताकि उसका कोई पॉइंट भी मिसिंग ना हो और सामने वाले को मजा आए। इसी तरह अलग अलग टॉपिक है, दूसरा है इंट्रोडक्शन का, योरसेल्फ इंट्रोडक्शन, वो एकदम बेसिक चीज़ है, प्राइमरी चीज़ है।
आप किसी अजनबी को मिलते हो तो बातचीत का दौर कैसे शुरू होता है, सामने वाला नाम पूछता है, वहाँ से शुरुआत होती है, फिर आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ये सारी बातें उसमें दी गई है। दूसरा टॉपिक है जनरल कन्वर्सेशन का। ये ऐसे हालात के लिए है कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, 6-8-10 घंटे की मुसाफरी होती है, बगल में बैठे हुए मुसाफरों से भी हमें बातचीत करनी पड़ती है, हालांकि वो हमारा पहचान वाला नहीं होता। तो जब जनरल टॉकिंग करते हैं तो उसमें कोई पर्सनल बातें नहीं आनी चाहिए, जनरल डिस्कशन होना चाहिए। तो ऐसे जनरल डिस्कशन के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और किस तरह उसके सवाल जवाब होते हैं, वो सारी बातें बताइए। उसके बाद दिया है मेन जरूरी चीज, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप फ्रेशर हो नौकरी के लिए, तो कैसे सवाल जवाब होते हैं और कैसे हमें उस सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद का टॉपिक है फेसिंग इंटरव्यू, ऐसे लोगों के लिए जो नौकरियां बदल कर आगे अच्छी नौकरियों पर जाने के लिए उत्सुक है और इंटरव्यू में बैठते हैं, वहाँ किस प्रकार के सवाल जवाब होते हैं और उस दौरान हमें किस तरह से उसके जवाब देने चाहिए, ये सब बातें बताइए। खास उसमें नोट करने की बात है कि हमारे पास जो होता है ना, उसका जवाब तो हम बहुत सही अच्छी तरीके से लोगों को देते हैं। कई बार हमको इंटरव्यू में नेगेटिव सवाल पूछे जाते हैं, तब हम ज़्यादातर चुप हो जाते हैं, या तो शॉर्ट में बता देते हैं, नो सॉरी आई डोंट नो, ये गलत है। नेगेटिव आंसरों को भी पॉजिटिव तरीके से कैसे जवाब देना, वो इंटरव्यू में पास होने का एकदम मेन पॉइंट है। तो हमें ये सारी बातें सीखनी, समझनी है और अमल में रखनी है। बाद में आता है रेगुलर डिस्कशन, आउटिंग, टूरिंग है, वैकेशन है, कन्वर्सेशन है, अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन है, दोनों पात्रों में बताया बनाया है। एक और टॉपिक है एक्सप्लोर थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, कि हमारे पास कोई भी चीज़ आती है तो हम मामूली समझ लेते हैं, मगर उसका भी एक स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो टॉपिक आपको समझाता है। उसके बाद का टॉपिक है व्हाट इज इंग्लिश, ये मेरा अनुभव है जो मैंने उसमें लिखा है कि अंग्रेजी क्या है, वो आप देखिए, समझने की कोशिश की, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद है रैपिड फायर राउंड, क्विक स्टार्ट्स। अब रैपिड फायर राउंड के अंदर क्या होता है कि जब हमको किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना होता है तो सब्जेक्ट मैटर हमारे पास विपुल मात्रा में होता है, उस पर चाहे तो हम घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लेक्चर दे सकते हैं, मगर उसके दौरान हमको तकलीफ कहाँ और क्या होती है, उसकी शुरुआत कैसे करनी, उसका अंत कैसे लाना, ये बहुत छोटी बातें हैं, 2-4 वाक्यों में ही खत्म हो जाती है, या तो शुरुआत हो या तो अंत हो, मगर हम यहाँ मार खा जाते हैं। तो वो चीजें ये रैपिड डायट फॉर्म में दिए, 5 एग्जाम्पल दिए, जैसे हम किसी से मिलकर छूटे हो रहे हैं, उस वक्त क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है किसी को जब हम मिलने के लिए चाहते हैं, अप्रोचिंग समवन, तो अपॉइंटमेंट बातचीतें कैसे होती है। तीसरा मुद्दा है वॉक इन या ड्रॉपिंग इंक्वायरी, कहीं कुछ चीज की इंक्वायरी के लिए हम जाते हैं तो कई बार हमें यही नहीं पता चलता हमें क्या बोलना और कैसे बोलना, तो ये आपको सिखाता है किस तरह से आप स्वीकार कर सकते हो। फोन पे मीटिंग कैसे अरेंज की जाती है, नया टॉपिक है, उसमें भी 3 सैंपल दिए हैं, आप देख लो, पॉजिटिव, नेगेटिव और इन बिटवीन। उसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विजिट टू ए डॉक्टर, ये पर्टिकुलरली स्पीच डिजाइन की है मार्केटिंग के लिए, कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हो तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों की बहुत सारी प्रोडक्ट होती है, उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी होती है, मगर किस एक कंपनी का माल ज़्यादा बिकता है, बाकी कंपनियों का माल नहीं बिकता, वजह क्या है, वो वजह है मार्केटिंग, सही ढंग से कंपनियाँ मार्केटिंग नहीं कर पाती।
तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा प्रैक्टिकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का उदाहरण दिया है कि जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर को मिलने जाता है तो वो उसकी प्रोडक्ट के बारे में क्या डिटेल और किस तरह डिटेल डॉक्टर को समझाता है ताकि डॉक्टर उसकी प्रोडक्ट पेशेंटों को दे सके और कंपनी का धंधा बढ़ सके। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, मेरे यहाँ 4 एडमिशन ऐसे हुए थे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे और वो जब इंक्वायरी में आए तब मैंने उन लोगों को ये लेख पर ये बोला कि आप देखो आपको क्या सीखना है, क्या समझना है, आपकी क्या तकलीफ है अंधे जी। जब उन्होंने ये लेख पढ़ा तो पढ़ने के बाद 4 इंसानों ने मेरे यहाँ एडमिशन लिया था। उसमें से एक इंसान ऐसा था कि जो प्रोडक्ट का वर्णन मैंने इस लेख में किया है वो मुझे सामने से सवाल पूछता था कि साहब आप तो स्टूडेंट आप तो टीचर हो, अंग्रेजी भाषा सिखाते हो, आपको मेडिकल प्रोडक्ट का इतना नॉलेज कैसे है। मैंने बोला क्यों भैया, इसीलिए तो हम टीचर है ना कि हमको सही क्या सिखाना है आप लोगों को। तो बोले साहब ये प्रोडक्ट मैं खुद बेच रहा हूँ और आज तक मुझे समझ में नहीं आता था, मगर आज आपका ये लेख पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बात क्लियर हो गई कि डॉक्टरों को कैसे कन्विंस किया जाता है हमारी प्रोडक्ट बेचकर। तो ये खूबी है। इसके बाद का टॉपिक आता है इंटरनेशनल कॉल सेंटर प्रैक्टिस। उसके अंदर मैंने 4 स्पीचेस दिए जो स्टूडेंट मेरा एक कोर्स करने के बाद इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट चाहता है इंटरनेशनल कॉल सेंटर में, मैं कहता हूँ अंग्रेजी पक्का करने के लिए आप 3 महीने के लिए चले जाओ, ज़्यादा नहीं। क्यों? कि बोलने का जो डर है वो सारा इंटरनेशनल कॉल सेंटर में आपका निकल जाएगा। अब इंटरनेशनल कॉल सेंटर में आपको करना क्या है, तो उसके उदाहरण के तौर पर मैंने 4 स्पीचें दिए। यही सारी स्पीचों के ऊपर दुनिया के हर इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलते हैं। आप जब भी वहाँ नौकरी करने जाते हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अंग्रेजी इतना किताबें पढ़कर आप तैयार हो गए हो अंग्रेजी में। अब वहाँ जाओगे तो इसी तरह की कोई भी एक स्पीच बोलो को आपको देंगे और बोलेंगे 2-3 दिन भैया ये देख देख कर बोलो, 2-3 दिन कॉन्टिन्यूस 8 घंटे आप फोन पर देख देख कर बोलोगे तो सारी बातें आपके जहन में आ जाएगी और बिना देखे भी आप बोल पाओगे। और इंटरनेशनल कॉल सेंटर का सबसे क्वालिफाइंग बात यह है कि वहाँ ना आपके एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ अंग्रेजी का पावर चाहिए। और उस फील्ड के अंदर आप लोगों को शायद पता नहीं होगा मगर मैं बताऊँ, हमारे अहमदाबाद जैसे सेंटर में भी अगर इंटरनेशनल कॉल सेंटर की आपके पास 12 महीने की एक्सपीरियंस है तो अहमदाबाद जैसे सेंटर में भी आप महीने आराम से 40-50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, जो और किसी फील्ड में 10वीं या 12वीं करने के बाद आने वाले 5-10 सालों में नहीं मिलेंगे, जो आप यहाँ 6-12 महीने में कमा सकते हैं। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। और मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट ये है कि जब आपने अंग्रेजी का कोर्स ख़त्म कर लिया और जो भी छोटी मोटी दिक्कतें बाकी रही है, जो भी छोटा मोटा डर लगता है, एक जात का फियर रहता है मेंटल फियर, तो ये सबको दूर करने के लिए ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 महीने कोई भी कॉल सेंटर में चले जाओ। अच्छा, उसकी दूसरी सबसे प्लस पॉइंट बात क्या है कि शुरुआत की पगारी आपकी 10-15 हज़ार के ऊपर होती है, वरना आप मैंने देखा है कि आप ग्रेजुएट होने के बाद भी किसी भी फील्ड से शुरुआत की नौकरी अगर वो बिलो फर्स्ट क्लास से पास हुआ होता है तो 5-6-7 हज़ार से शुरू करना पड़ता है। यहाँ मिनिमम शुरुआत 12-13-15 हज़ार से होती है और 12 महीने के एक्सपीरियंस के बाद आप 40-50 के हकदार आराम से हो जाते हैं। तो ये इसीलिए मैंने इंटरनेशनल कॉल सेंटर की प्रैक्टिस ऐसे स्टूडेंटों के लिए दिए जिनको घर के हालात ऐसे हैं, जिनको इमीडिएट नौकरी चाहिए, घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं है, ऐसे सब स्टूडेंटों के लिए दी बेस्ट है।
उसके बाद आता है एनरिच वोकैबुलरी, नया टॉपिक। अब इसके बाद यहां जो मैंने इसके अंदर जो जो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, वो टॉपिक किस लिए है वो आप समझ लीजिए पहले। कि मेरे पास हर साल जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें से 10-15 बच्चे ऐसे होते हैं कहता अब हमको आपके जैसा अंग्रेजी में मास्टर बनना है। तो ये जो अब आगे मैं इस टॉपिकों के अंदर सिखाने जा रहा हूँ वो सारी बातें ऐसी बातें हैं कि अगर मेरे कहने पर अगर आप उस चीज़ों को अमल में रखोगे तो हो सकता है आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर आप भी अंग्रेजी में मास्टर बन जाओगे। डिसाइड आपको करना है क्या करना है, कितना करना है। मेरा काम आपको समझाना है कि मास्टर कैसे बनना। तो पहला टॉपिक जो है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट कमाल। अब उसके अंदर उदाहरण के तौर पर मैंने एक सेंटेंस दिया है, इट्स गुड टू सी यू अगेन। हर शब्द के ऊपर मैंने एक नंबर दिया है और नंबर का नीचे मैंने अल्टरनेटिव वर्ड दिए है। अब आपको एक्सरसाइज में करना क्या है वो मैंने मैसेज दिया है। उसके पहले मैसेज के पहले मैंने 15-16 एग्जांपल आपको बनाकर दिए है। एक ही वाक्य के जो 4 शब्द है उसके जो अल्टरनेटिव शब्द है उसको अलग अलग वाक्य में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हो, 15 एग्जांपल मैंने दिए है। और मैं चाहता हूं कि यही एक्सरसाइज आप चालू रखो और अगर करोगे तो आप नए और 50-100 सेंटेंस और बना पाओगे। ठीक है, अब क्या करना नहीं करना, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, वो सब आप पर निर्भर है। उसके बाद ग्रामर रिवीजन दिया है जो आप 3 नंबर में सीख चुके, मगर हो सकता है कि हमारा एक मनुष्य स्वभाव है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो कई चीज़ें हम जीवन में सीखते हैं मगर जब नई चीज़ सीखते हैं तो पुरानी चीज़ भूल जाते हैं। तो ऐसा हो भी सकता है कि कुछ चीज़ें आप 3 नंबर में सीखे और 8-9 नंबर तक प्रैक्टिस करने के बावजूद भी कुछ चीज़ें आप भूल चुके हो। तो वही 3 नंबर का ग्रामर का सिंपल सेंटेंसेस का एग्जांपल दिया है और बाद में 12 टेंसेस और 17 सपोर्टिंग वर्ब्स के एक्टिव पैसिव के एग्जांपल दिए स्टोरी बनाकर, कि व्यवहार में व्यवहार के अंदर कोई भी बात के अंदर ग्रामर किस तरह इस्तेमाल होता है। और वो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाता है अगर कोई चीज़ भूल चुके हो तो वापस आपको याद दिलाने के लिए। उसके बाद का टॉपिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें दिया हुआ है सेम प्रोनाउंसिएशन विद डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। शब्द है देयर, अब उसके 2 स्पेलिंग है तो दोनों का मतलब अलग होता है, वो आपको समझना है। देयर मतलब वहाँ और देयर मतलब उनका। तो इसी तरह 3-4 पन्ने ऐसे शब्द की शब्दावली मैंने तैयार की है कि जो डबल मीनिंग्स होते हैं स्पेलिंग बदलने से मगर प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो ऐसे जितने भी नए नए शब्द आपके पास आते हैं वो उसमें मैंने लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसकी भी आप एक अपनी डायरी बनाओ। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस है, उसके बाद एक्सप्लोरेशन एक टॉपिक है। ये टॉपिक पेज नंबर 65, एक प्लानिंग शब्द मैंने दिया है पहले नंबर पे, उसके 2 मीनिंग दिए ऑर्गेनाइज और अरेंज। ज्यादातर हम लोग जो अंग्रेजी आती है हम करते क्या है कि जब कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसा कोई शब्द की जरूरत है तब हम 3 में से कोई भी शब्द रख देते हैं, सोचते नहीं कि यह सही होगा या नहीं। अब उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है वो आप पढ़ो और फिर डिसाइड करो कि ये 3 शब्द का मीनिंग एक है मगर हर शब्द का एक अपना भी मीनिंग है। तो अब ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आप डिसाइड करो कि क्या ये शब्द जिस वाक्य में जिस तरह से लिखा है वो दूसरे वाक्य में लागू होगा या नहीं। प्लानिंग की जगह ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज की जगह अरेंज,
ये शब्द इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे। इसी तरह नए नए आपको भाषा में मास्टरी लाने के लिए ये चीज़ें प्रैक्टिकली करनी होगी और शब्दों को सही मायने में समझने होंगे। उसके बाद दिया है कुछ अमेरिकन और ब्रिटिश की तुलना कि भाई इंडिया के अंदर दोनों लैंग्वेज चलती है, ब्रिटिश पैटर्न भी चलती है, अमेरिकन पैटर्न भी चलती है, तो हर तरह के दोनों का जो अलग अलग बेसिक्स है, कुछ सैंपल्स मैंने दिए हैं, ऐसे बहुत सारे सैंपल्स आप भाषा का जिस तरीके से प्रयोग करोगे आते होंगे और उसको समझना होगा। लास्ट में दिया है सक्सेस फॉर्मूला, 5D सक्सेस फॉर्मूला, क्योंकि आज के जमाने में हमने देखा है कि आप लोगों को बहुत लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं है, ज्यादा वक्त भी नहीं है, उतावले भी बहुत हो, तो अगर आपको जीवन में सक्सेस पाना है तो क्या करना चाहिए? पहली बात, आपको एक अपना डिजायर होना चाहिए। आपके पास अगर डिजायर है तो उसकी ड्रीम देखो, उसमें डिसिप्लिन लाओ, उसमें डिटर्मिनेशन बढ़ाओ, तो आप डेस्टिनी पर पहुंच पाओगे। यह करने के लिए मैंने बताया है ड्रॉ योर मैप, मैप का मतलब मैसिव एक्शन प्लान। आखिरी 3 लिटी में मैंने बताया एक्ट अकॉर्डिंगली, मतलब आपको सक्सेस होना है, प्लान बनाया, अब उस मुताबिक काम करना है, एक्ट अकॉर्डिंगली, नेवर गिव अप, कभी भी उसको आधे में छोड़ना नहीं है। और आखिरी बात है डेली रिफिल योर सेल्फ, हर रोज कुछ नया सीखो जीवन में, ये आपकी सफलता का एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला है। उसके बाद टॉपिक राइटिंग आता है, उसमें पहला मैंने लिया है व्हाई इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर एवरीवन नाउडेज, ये सब आप समझ लो ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ हो और आगे कहाँ जाना है और कैसे बढ़ना है, और अंग्रेजी के आज के जीवन में अहमियत क्या है, क्यों हमें सीखना है, ये सारी चीज़ें उसके। और एक टॉपिक दिया है इंडिया माई कंट्री, वो टॉपिक में सीखना समझने के बाद जो आगे मैंने कह चुका कि आज हम भारत देश के बारे में अगर लिखना बैठे तो पूरी किताब भी कम पड़ेगी, मगर कोई ऐसी जगह पर हमको हमारे देश के बारे में बताना है कम शब्दों में और ज़्यादा डिटेल कवर करनी है, तो सारी चीज़ें मैंने वाक्यों को शब्दों में कैसे बदला है वो सिखाने का एक मेरा जरिया है, एडवांस इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, लेटेस्ट इंग्लिश, जो भी आपको ये पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमें भी कोई बात रजू करनी है तो कैसे करनी। अब आपका अंग्रेजी टीचिंग का ये प्रोग्राम खलम पूर्ण हो रहा है, पूर्ण हो चुका है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, या तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, ईमेल भी भेज सकते हो, और कोई चीज़ें जाननी हो, समझनी हो, और एक्स्ट्रा बातें कोई सीखनी हो इसके अलावा जो किताबों में सीखे, या जो सीख गए उसमें कोई समझ नहीं आया, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो और मैं उसके आपको जवाब दूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड आई विश You should go ahead in your career.